أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. Ulama ko jano ki is series ke aaj ke episode mein hum jis alim-e-deen ka zikr karne ja rahe hain, unka naam hai Sheikh Murtaza Ansari alaihi rahma. Sheikh Murtaza Ansari ki viladat 1214 hijri mein hui thi aur inki viladat 18 zilhij yani yom-e-ghadir ke din hui thi. Sheikh Murtaza Ansari ke walid ka naam Muhammad Amin Ansari tha. और शेख मुर्तजा अंसारी की लिनियज अगर आप चेक करें तो वो जो रसूलुल्लाह के सहाबी कराम थे जलील कद्र सहाबी थे जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी अलैहि रहमा जिनकी स्टोरी हमने लास्ट ईयर कवर की थी उनकी नस्ल से थे. शेख मुर्तजा अंसारी इनिशियली उन्होंने जो है अपनी स्टडीज अपने शहर में की ईरान में की और उसके बाद जो है फिर वो इराक गए. फिर ईरान आने के बाद फिर एक बार वो जियारत के लिए जब गए थे तब वहां पे जो है उन्होंने जो है दर्स देना शुरू किया. इन्होंने जो है इनके टीचर्स में शरीफ अल उलमा माजंदरानी करबला के मुल्ला अहमद नराकी काशान के शेख मूसा शेख अली काशिफ अल गितान नजफ के ये सब टीचर्स जो है इनके बहुत फेमस हैं. खुसूसन शेख मोहम्मद हसन नजफी अलैहि रहमा जो जवाहिर अल कलाम जो बहुत फेमस बुक है उसके ऑथर थे वो जो है इनके टीचर्स में से थे. और जब वो शेख मोहम्मद हसन नजफी की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया लेकिन फिर भी शेख मुर्तजा अंसारी नज़र नहीं आए. तो उन्होंने पूछा शेख मुर्तजा कहाँ हैं. तो शेख मुर्तजा अंसारी जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में खड़े रहकर अपने उस्ताद के लिए दुआ कर रहे थे. तो तब शेख मोहम्मद हसन नजफी ने उनको बुलाया साहिब जवाहिर कलाम ने और उनको कहा कि ए शेख मुर्तजा अंसारी मेरे बाद आप जो है मर्जे तकलीद होंगे. और 400 से ज़्यादा टॉप रैंकिंग उलमा जो उस टाइम पर मौजूद थे उन्होंने जो है लेटर पर साइन कर कर ये बात कही कि शेख मुर्तजा अंसारी करंटली सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है. लेकिन शेख मुर्तजा अंसारी ने जो है जो 52 ईयर्स ओल्ड के थे उस ज़माने में उन्होंने जो है कहा कि नहीं नहीं मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ. ये हम्बलनेस है. दुनिया में लोग जो है जब पावर मिलता है कुर्सी मिलती है और हाई रैंकिंग पोजीशन मिलती है उसके लिए क्या कुछ नहीं करते लेकिन ये दरे अहले बैत है जहाँ पर जो है और ये उलमा की हम्बलनेस है कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं जो है इसका हकदार नहीं हूँ. उन्होंने कहा मेरे जो क्लासमेट है सईदुल उलमा जो अभी ईरान में रह रहे हैं मेरे हिसाब से वो जो है ज़्यादा नॉलेजेबल है बिकॉज हम जब बात करते थे हम जब डिबेट करते थे वो हमेशा जो है मुझसे आगे रहते थे. तो सईदुल उलमा को उन्होंने लेटर लिखा और कहा कि प्लीज़ आप जो है शियत की लीडरशिप को कबूल कीजिए. तो सईदुल उलमा ने रिप्लाई किया कि शेख मुर्तजा अंसारी यकीनन जब हम स्टूडेंट थे हम जब डिबेट करते थे कभी कभी मैं आपसे आगे निकल जाता था लेकिन मैंने जो है उस इल्म की दुनिया को जो है वहीं पर रोक कर मैं जो है तबलीग की दुनिया में आ गया और मैं जो है यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ लेकिन आप जो है वहाँ पर अभी भी इल्म की दुनिया में हैं रोज़ उलमा से मिलते हैं रोज़ जो है किताबों के का मुतालिया करते पढ़ते हैं और इसीलिए मेरे हिसाब से अभी आप जो है मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है इसलिए प्लीज़ आप जो है इस शियत की लीडरशिप को कबूल कीजिए. शेख मुर्तजा अंसारी के बारे में कि इनके ज़माने से ये जो एक कॉमन मुज्तहिद का जो सिस्टम था वो काफ़ी हद तक कहा जाता है कि शेख मुर्तजा अंसारी के ज़माने से ये शुरू होने लगा. और क्योंकि इनका ये कैलिबर था इनका ये जो नॉलेज था कि ये जो है 52 इयर्स एज के थे कई सारे दूसरे उलमा मौजूद थे लेकिन शेख मोहम्मद हसन नजफी ने कहा कि मेरे बाद ये जो है सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है. सोचिए एक टीचर ने एक स्टूडेंट को कहा कि ये मुझसे ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है मेरे बाद जो है ये मर्जे तकलीद होगा. और इस आइडिया को आगे जाकर जो मुज्तहिद के आइडिया है तबातबा यजदी अल्लामा ने जो है इस चीज़ को बढ़ाया और इवेंचुअली कॉमन बिलीफ हो गया है कि अगर हमें हमारी जो है एक्शंस को फॉलो करना है तो हम जो है किसी एक मुज्तहिद को फॉलो करें जो दीन और अहकाम को हमें
बता सके, ताकि जो जो एक ग्लोबल लेवल पर जो हम देखते हैं, इनिशियली छोटे छोटे पॉकेट्स में हर जगह के उलमा और जो मुज्तहिदीन थे वो एरियाज में होते थे, ऑफ कोर्स सेंट्रल लीडरशिप नजफ और करबला ये सब जगहों पर होती थी, जैसे शेख तूसी और शेख कुलैनी के बारे में हमने और बाकी के उलमा के बारे में हमने देखा। लेकिन शेख मुर्तजा अंसारी ने इस चीज़ को एकदम सॉलिडिफाई कर दिया। आखिर में 1281 हिजरी यानी इंग्लिश अगर डेट के हिसाब से देखें तो 1864 में 65 ईयर्स की एज पर शेख मुर्तजा अंसारी इस दुनिया से रहलत कर गए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए आलिम की स्टोरी के साथ। जस्ट एक दो मिनट आपकी और लूंगा। आज जो है शब कद्र है, गुजारिश है कि इस शब को दुआओं में गुजारे, इस शब का भरपूर फायदा उठाए और इस शब में तमाम दुआओं के बारे में जो मेंशन किया गया है वो पढ़े। लेकिन खुसूसन 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 दुनिया जुल्म जौर की तरफ बढ़ रही है, हमारे ज़माने के इमाम वली आसर हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जल्द ज़ुहूर की दुआ करें, और ये दुआ करें कि अल्लाह इसी साल हमें हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर को जो है दिखा दे। साथ साथ आज की वो शब होगी कि जिस दिन अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सर पर ज़र्ब लगी थी, अल्लाह इब्ने मुलजिम और वो सारे लोग जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल में शामिल थे उन सब पर लानत करें। कल फिर मुलाकात करेंगे। वाखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम।